अस्सलाम वालेकुम। चलो नहीं नहीं हम हाफ देखेंगे, चलो करने का। हाँ, नहीं, नहीं। प्राइस क्या है? शाम हो गई। हाँ फिर हम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने हैं, तो ये मैंने अपने कपड़े निकाले हैं। ये मैंने ये देखें, जा रही हैं मेरी मामा घर की ग्रोसरी लेने। कहाँ जा रहे हो आप? मैं ग्रोसरी लेने। ग्रोसरी लेने जा रहे हो? मेरे लिए क्या लाओगे? ज़्यादा सारी चिप्स डाल लेना, अंदर बिस्किट डाल लेना, तो इसलिए मुझे नहीं ना लेके जा रहे। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ ठीक, मैं भी ठीक ठाक। हाँ जी, होगी आपकी शॉपिंग? हाँ जी होगी। क्या क्या शॉपिंग की आपने? ओ माय गॉड, इतनी शॉपिंग करके आप आए हो अभी अकेले? अगर आपको डाकू मिल जाए तो आजकल ये भी चोरी होने का खतरा। चलो नहीं, हमने वार्डरोब भी देखनी है। जो मैं दो दिन से फोन कर रही हूँ और मुझसे बात नहीं कर रही। जी बेटा जी, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो वार्डरोब सेट कर रही हूँ। मैं भी तो देखूँ ना कैसी सेटिंग कर रही है। नहीं नहीं चले, हम हाफ ही देखेंगे। हाँ नहीं नहीं हम हाफ देखेंगे। चले जी, और भी काम होते। हाँ, बहुत काम है आपको, तो बहुत काम है। सुबह की निकली ग्रोसरी कर रही, फिर उधर से फोन आ गया तुम्हारा, मुझे लेते जाओ। हाँ, फिर अब शाम हो गई, देख लो पांच बज गए, अब जाके मेरा दिल करेगा काम करेगा? नहीं नहीं, बस हम यही देखेंगे ना आपने जो थोड़ा सा काम किया वो थोड़ा सा काम कैसा है, बस ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, जहाँ बैग रखे ना वो दिखा। अब मैं लगाने लगी हूँ खाना और हम मिलते हैं खाने की टेबल पे। सो मामा आ गई अंदर, और मामा को है शुगर इसलिए वो जूस नहीं पीती जब भी मेरी तरफ आती हैं, या तो सादा पानी का ग्लास। और उसके बाद अभी टाइम था, मैंने कहा चलो जी खाने का टाइम है, खाना खा के जाओ। आपको पता है मैंने कल व्लॉग डाला था, हमने बनाए थे पाए, और वो हम करेंगे आज मामा के साथ इंजॉय। और ये देखें जी, मामा को मैंने कहा अभी फ़िलहाल चलो ये खाओ पियो। हाँ जी, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि मामा आ गई हैं। और मामा तो बस बच्चों की फेवरेट है। इब्राहिम आप भी तो मामा जी से मिलो। इसको मिलना ही नहीं होता। इब्राहिम कैसे हो आप? ठीक हो? इब्राहिम आप बात करो मामा जी से, आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? फीवर उतर गया? चलो अच्छी बात है। अब आपका स्कूल एडमिशन हो गया, कब जा रहे हो? जी जी छुट्टियां बच्चों को, और बच्चों की ये फुल टाइम एंजॉयमेंट, और बस ये फुल टाइम हम नानों का घर बच्चों का, और वहाँ पे बनेगा ज्यादा दिन रहना। हाँ बस नानों के घर रह के, और मामा आई हैं, और मामा आई हैं बच्चों को लेने, और मैंने कहा बच्चों को क्यों लेना है, मुझे भी साथ लेकर जाओ। और मैं भी जा रही हूँ मामा की तरफ स्टे करने, और मैं वहाँ पे आपको मिलूंगी, और वहाँ पे हम बनाएंगे एक और व्लॉग, और जिसमें मैं आपको अपने मामा जी के घर का पूरा टूर करवाऊंगी। ओहो नहीं, टूर करवाओ ना करवाओ, मेरी मामा की वार्डरोब दिखा देना। वो उन्होंने कल इतनी मेहनत करके थक गई है, दो दिनों से वार्डरोब ठीक करी, हम भी तो देखे ना कैसे की सेट किया। और हम नहीं नहीं हम देखेंगे मामा की वार्डरोब, हमने छापा मारना मामा के घर। हाँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वार्डरोब औरतों की जिंदगी की वाहि चीज़ है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं ना औरत जात जो सी है ना उसकी हड्डी टेढ़ी है, इसी तरह उनकी वार्डरोब भी टेढ़ी है। ये मामा की ना तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब थी, और ये उनकी स्टोरी सुना रही है कि मुझे कैसे आराम आया। और चले खाना रेडी है, खाना खाएं आके। जी जी करें आप शावर। चलो बच्चों जल्दी से सब बच्चे बैठ जाए, खाना रेडी है, जल्दी आ जाओ। मैंने कोई ज्यादा इत्तमाम नहीं किया क्योंकि मामा ने मुझे मौका ही नहीं दिया कोई इत्तमाम करने का। हाँ, नहीं, नहीं, बेटे। हाँ चला गया। बस जो घर में बना हुआ था वही रख दिया, और बस ये देखिए ये मेरी बेटी को चाहिए थी रिंग लाइट चाहिए, तो वो लेने जा रहे हैं। इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? सारे जा रहे, बोलो जहाँ सब जा रहे। हम लेने आए हैं रिंग लाइट,
इतनी बड़ी क्या करनी है? ये ज्यादा नहीं बड़ा हो जाएगा? ये ज्यादा है, ये नहीं पसंद थी। लेकिन आपने अगर टेबल पे बनानी है ना वीडियो तो उसके लिए यही होती है। मोबाइल लग जाता है ऊपर आ जाती है, इसमें लाइट भी पड़ती है, व्यू भी अच्छा आता है और हम भी इसी से बनाते हैं। अगर आपने इस तरह हॉल में या कहीं भी चाहिए तो प्रोफेशनल, ये इसमें हाँ ये प्रोफेशनल स्टाइल ये है ना, वो तो टेम्परेरी चीज़ है, ये परफेक्शन स्टाइल ये चलता लाइट है तो वैसे ही करनी चाहिए। तो और चलो इसके देख लो कुछ, इसके प्राइस क्या है? ये 6 चले गए। हमें पसंद ही नहीं आई रिंग लाइट, एनी हाल पसंद नहीं आई चले जी। बस ये आने वाला है मामा का घर, शाम हो गई, देख ला मैं सुबह के निकली। हाँ फिर हम घर आ गए, अब अल्लाह का शुक्र है सुबह की नहीं शाम हो गई। तो मेरी बेटी ने आते पकोड़े बनाए थे, पकौड़े खाए मिलेगी ऐसी सिस्टर, कॉफी बनाते हैं। मैं किसी दिन ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, इसके पकौड़े बहुत ही गजब के होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।